अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने महिला पत्रकारों को सम्मानित किया, साथ ही कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने में महिला पत्रकारों का अहम योगदान है। एएमजी न्यूज की सीईओ नीला सेनगुप्ता को भी यहां शील्ड और अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं दर्जनों महिला पत्रकारों को यहां सम्मानित किया गया। मौके पर प्रख्यात समाज सेवी शेखर डे मौजूद रहे। फाउंडेशन के अनुसार वैश्विक महामारी से लेकर तमाम तरह के आपदाओं के समय इन महिला पत्रकारों ने अपने कार्य को जारी रखा और सच्चाई को सभी के समक्ष लाते हुए अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया, जिस कारण इन महिला पत्रकारों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। देखिए, आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन, अन्वेषा और बीएसएसआर यूनियन, ये एक दिन का सम्मान नहीं है महिलाओं के लिए, हमारे लिए तो 365 दिन का ही महिलाओं के प्रति एक अलग सम्मान है। और आज हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि इस बार का जो महिला दिवस है, ये हम लोग समर्पित किए जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं और बीएसएसआर यूनियन के ऐसे महिलाएं, और आज हमने उनके कार्यों को नमन किया और उन्हीं को आज सम्मान देकर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन आज गर्व महसूस कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जमशेदपुर में भाजमो महिला मोर्चा के द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन पार्टी के साक्षी स्थित कार्यालय में किया गया, जहां कन्या भ्रूण हत्या को रोकने को लेकर चर्चा की गई। वैसे आंकड़ों की माने तो आज भी पुरुषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा है, जिस कारण देश में लिंग समानता नहीं है। इसी थीम को लेकर भाजमो महिला मोर्चा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों के अलावे बड़ी संख्या में घरेलू महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मंजू सिंह ने कहा कि देश में लिंग समानता लाने हेतु कन्या भ्रूण हत्या को रोकना होगा, जिसमें घरेलू महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी की जरूरत है। समानता यानी लिंग जेंडर जो है वो पूरे देश में इक्वलिटी हो, तो मैं इस बार की जो महिला दिवस है उस पे सभी महिलाओं से ये निवेदन करूंगी कि जब हम लोगों का ये सरकार के तरफ से है कि लिंगों में समानता होनी चाहिए, तो जो ये लिंग का जो रेशियो है वो कम और ज़्यादा है। आज भी हम देखते हैं कि पुरुषों की जो संख्या है महिलाओं से काफ़ी ज़्यादा है। कहूँगी जो भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं खास करके फीमेल सेक्स का, उस पर हम लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए उसका निर्माण करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग सृष्टि के रक्षक हैं, सृष्टि के पालनहार हैं, सृष्टि को हम लोग जगत में लाने वाले हैं, तो हमें ये समझना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश भर में महिला सम्मान और अधिकार की बात हो रही है। इन सबके बीच झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ रैली की शक्ल में पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां रैली में शामिल आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए आज के दिन यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन छुट्टी घोषित किए जाने की मांग की। रैली के माध्यम से जिला मुख्यालय पहुंची आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाने में सेविकाओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए छुट्टी घोषित किया जाना चाहिए, जिससे इस दिवस की प्रासंगिकता बनी रहे। जितनी भी आंगनबाड़ी सेविकाएं सहायिकाएं हैं सभी कोई रैली निकाले हैं, इसलिए कि हम आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम लोगों को सरकार के तरफ से स्थायीकरण घोषित करें और हमारी मानदेय को बढ़ोतरी दे और आज का दिन को छुट्टी घोषित करें, और क्योंकि सभी महिलाएं जितनी भी महिला है सब महिला अपने स्तर पर चले, अपना मन से चले, और उनको जो इतना लंबा समय ड्यूटी दिया जाता है आज के दिन वो नहीं दिया जाए। आज सरकार हम लोगों की के लिए हम लोग का दिन फ्री रखे और मानदेय में बढ़ोतरी करे जल्द से जल्द। जमशेदपुर में धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश के तहत अनुमंडल कार्यालय में महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशेष मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां तमाम महिला पदाधिकारियों के द्वारा ही
जागरूकता शिविर का संचालन किया गया। वैसे इस शिविर में तमाम आगंतुकों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही मतदाता पहचान पत्र बनवाने के प्रति प्रेरित भी किया गया। यहां आने वाले तमाम लोगों को मतदान के अधिकार और इसकी जरूरत के विषय में अवगत करवाया गया। यहां मौजूद महिला पदाधिकारी ने बताया कि मतदान हमारा अधिकार भी है और एक मजबूत लोकतंत्र को स्थापित मतदान ही कर सकता है, इसलिए सभी को पूर्ण भागीदारी इसमें जरूरत होती है। इस कारण आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के द्वारा ही इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज वुमेन्स डे के स्पेशल कैंप पे जो एस डी ओ सर ने स्पेशल कैंप लगवाया ताकि जो भी जिनके वोटर आईडी रिलेटेड है वो अपना वोटर आईडी बना सकते हैं, करेक्शन होगा तो करेक्शन भी करा सकते हैं, पर फिलहाल जो है ज्यादा फोकस है नया बनाने। जी हाँ बिल्कुल, महिलाएं आ रही है, महिलाओं के नहीं बैठे हैं हम सारे महिला और महिला दिवस। जमशेदपुर के परसोडी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर टीम अपर्णा के द्वारा महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां जिले के सिविल सर्जन, डीएसपी सीसीआर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, समाज सेवी पूर्वी घोष समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वीपीआर मिसेस इंडिया 2022 का खिताब जीत चुकी शर्मिष्ठा रॉय को सम्मानित किया गया। वहीं समाज में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को भी यहाँ सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यों से जुड़ी महिलाएं यहां शामिल हुई। टीम अपर्णा की संरक्षक सह समाज सेवी अपर्णा गुहा ने कहा कि इस खास दिन पर उन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपने सामाजिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है और महिलाओं का नाम ऊंचा किया है। वहीं उन्होंने कहा कि हर महिला के सफलता के पीछे पुरुष का भी हाथ है और इसलिए समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो महिला और पुरुष दोनों को कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। राष्ट्रीय महिला दिवस हमारी एक टीम है, टीम अपर्णा के द्वारा आज हम लोग मनाए जा रहे हैं हमारे परसोडी विवेकानंद क्लब में, क्योंकि आज महिला दिवस है और एक ही दिन महिला के दिवस नहीं है, महिला दिवस हर किसी दिन हम लोग के होती है। आज नारी दिवस है बोल के जो हम लोग पुरुष का विरोध करेंगे ये भी बात गलत है, क्योंकि हर महिला की बैसाखी की जरूरत पड़ती है। पुरुष लोग जब हम लोग बोलते हैं कि नारी दिवस नारी दिवस नारी दिवस नारी दिवस क्यों मनाते हैं, पर एक पुरुष के बिना कभी कोई महिला आगे बढ़ नहीं सकती। हमारे जितने भी यहाँ पर महिलाएं आए हैं काफी सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, एक से एक बढ़ के है, सभी समाज से भी है, सभी महिलाओं का सम्मानित के जो जो अच्छे अच्छे काम किए हैं हमारे समाज के लिए, जो सभी को हम लोग आज सम्मानित किए हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अच्छे काम करेंगे समाज में इसके आगे हम लोग और समाज में बढ़ते हुए जो काम करेंगे उस महिलाओं को हम लोग सम्मानित भी करेंगे और आगे जो साल होगी इससे बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाएंगे। जमशेदपुर से सटे चांडिल स्थित आसू किस्कू मेमोरियल एंड रवि किस्कू टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बीएड कॉलेज में शिक्षकों के बहाली हेतु साक्ची स्थित एक होटल में साक्षात्कार का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य के अलावे कई अन्य राज्यों से प्रतिभागी यहां शामिल हुए। कॉलेज में कुल 16 शिक्षकों का पद वर्तमान में खाली है, जहां 14 शिक्षकों के पद के लिए बहाली निकाली गई थी। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं बिहार से 50 से ज्यादा अभ्यर्थी यहां साक्षात्कार के लिए पहुंचे। कॉलेज के सचिव जगदीश महतो बताते हैं कि कोरोना काल में सरकारी निर्देशों के तहत कक्षाएं करवाई जा रही थी, जहां शिक्षकों की संख्या को कम किया गया था। अब दोबारा सब कुछ सामान्य होने के बाद फिर से सभी रिक्त पदों को भरा जा रहा है। कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा ही साक्षात्कार के प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है और चयन के उपरांत ही सभी को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। कोरोना काल के चलते बहुत दिन कॉलेज बंद था, ऑनलाइन क्लास हो रहा था और टीचर का जो 50% सरकार बोला था 50% लेकर के लिए कोरोना खत्म हो गया, इसलिए हम लोग सोचे जितने हम लोग का सीट है फुलफिल हो जाएगा और सब आदमी को बेरोजगार को नौकरी मिलेगा। कोल्हान यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेक्शन बोर्डी जो टीम बनाया था 7 कमेटी का सारे लोग आए हैं और हम लोग के पास भी कैंडिडेट लोग जो आए हैं और टोटल आज 14 पौधों का टोटल 16 होता है तो 14 पौधों का हम लोग का सिलेक्शन। हम लोग का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, एडुकेशन हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, जिग्राफी, हर सब्जेक्ट का जो खाली था
कोरोना के अंदर कुछ भी कर कारण बस हम लोग खाली थे। आज हम लोग पोर्टल यूनिवर्सिटी की मदद से और जो टीम आया उसको तरफ से आज हम लोग शाम तक इन लोग का एकोमोलेटर यूनिवर्सिटी टीम जैसे सिलेक्शन करेंगे वैसे ही हम लोग एकोमोलेटर दे देंगे। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे देश समेत टाटानगर में भी एआरएम कार्यालय के समक्ष रेल कर्मचारियों ने ट्रॉली बैग के विरोध में प्रदर्शन कर जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पूरे देश में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर हर लॉबी में रेल कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है, जहां इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना साथ दिया। इधर टाटानगर रेल प्रबंधन के एआरएम कार्यालय के समक्ष ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर रेल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने रेलवे बोर्ड द्वारा टूल बॉक्स को हटाए जाने का पूरा समर्थन किया, पर टूल बॉक्स को हटाए जाने के बाद किसी तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना कर लोको पायलट गार्ड पर ट्रॉली बैग का अतिरिक्त बोझ लाद दिया जा रहा है, जिसका विरोध ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा दर्ज किया जा रहा है। जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित वीर कुंवर सिंह चौक से लेकर स्टेशन तक सड़क बनाने की मांग को लेकर आरसू पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष प्रदर्शन किया। जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर 10 दिनों के अंदर काम को शुरू करने की मांग की, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कुछ वर्षों पहले टाटा स्टील द्वारा वीर कुंवर सिंह चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक सड़क बनाया गया था, जो कि पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है, जहां जिला प्रशासन ने रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग कर सड़क निर्माण की बात कही थी। रेलवे के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र सौंप देने के बावजूद काम अधर में लटका हुआ है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाओं के लोग शिकार हो रहे हैं। आज सुपार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जुगसलाई नगर परिषद पहुंचकर जुगसलाई नगर परिषद का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए जल्द से जल्द सड़क निर्माण करवाने की मांग की, अन्यथा सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी। जुगसलाई वीर कुंवर सिंह चौक से लेकर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन तक की सड़क जो कई वर्षों पूर्व टाटा कंपनी ने बनाई थी, उसकी स्थिति कहीं ना कहीं दयनीय होते जा रही है, जर्जर होते जा रही है। रेलवे के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने के बाद भी काम की शुरुआत नहीं हो रही थी, तो आज हम लोग जुगसलाई नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी को एक ज्ञापन के माध्यम से ये सूचना देने आए हैं कि वो क्षेत्र आपका है, वहाँ साफ सफाई आप करा रहे हैं, वहाँ होर्डिंग एड प्रचार आपका हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उस सड़क का निर्माण आपके माध्यम से हो। आज हम लोग यहाँ के हमारे नगर पालिका अध्यक्ष राजू भाई और सचिव दिनेश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन देने का काम किया और अल्टीमेटम दिया है कि 10 दिन के अंदर अगर उस सड़क का मरम्मतीकरण शुरू नहीं हुआ तो जुगसलाई नगर पालिका के सामने आजसू पार्टी धरना देने का काम करेगी और सड़क पर उतर करके उस सड़क का निर्माण के लिए आंदोलन करेगी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।